फैसला सुनाने से पहले ये अदना गुलाम आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता है। आपको इजाजत की क्या जरूरत है शहजादे? कहिए, क्या कहने चाहते हैं आप? मुजरिम का जुर्म भी साबित हो गया और ये भी तय हो चुका कि उसे सजाए मौत दी जाएगी। यकीनन। मगर वो घर तो सूना ही पड़ा रहेगा जहाँ शाम को दो बूढ़े माँ और बा इस इंतजार में अपने जवान बेटे की राह तकते थे कि वो आएगा और उनके सूने घर में रौनक छा जाएगी। उनके घर का ठंडा चूल्हा फिर से जल उठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं शहजादे? यही कि एक माँ बाप से तो उनका बेटा छिन गया, अगर आप मुजरिम को सजाए मौत देंगे तो क्या दूसरे माँ बाप अपने जगह के टुकड़े को नहीं खो देंगे? ये तो इंसाफ का तकाजा है, जान के बदले जान और खून के बदले खून। मगर आलमपना, इंसाफ की रूह से खून बहा भी तो जायज है। क्या मतलब? अगर आलमपना हुक्म दें तो मैं उस कहार की जान के बदले उसके माँ बाप को इतनी दौलत देने के लिए तैयार हूँ कि उनका बुढ़ापा बड़े आराम से कट जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है वजीर आजम साहब, बेटे को खोकर अगर दौलत मिल जाए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वैसे कितनी दौलत दे सकते हैं आप इनको? जितनी इन्होंने कभी ख्वाब में भी न देखी होगी आलमपना। ठीक है, तो फिर हम आपको उससे कई ज्यादा दौलत देंगे अगर आप अपने बेटे का सर अपने हाथों से अभी और इसी वक्त कलम कर दें। हम आपके कहने का मतलब समझना चाहते हैं शहजादे। हमारे कहने का साफ मतलब ये है कि इन बूढ़े माँ बाप से इनका बेटा छीना गया, अगर आपको इंसाफ करना है तो इन्हें इनका बेटा वापस कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? जो चला गया वो फिर वापस कैसे लौट सकता है? हमें मालूम है जो चला गया वो फिर वापस नहीं आ सकता, मगर उसका बदल तो हो सकता है। आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं शहजादे? हम समझने से कासिर हैं। हम चाहते हैं आलमपना कि इन बूढ़े माँ बाप का सहारा खुद वजीर जादे बने। क्या आलमपना, मेरा बेटा और इन मामूली आदमियों का बेटा बने? सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके घर में वो इनकी उसी तरह खिदमत करेगा जिस तरह इनका बेटा किया करता था। नामुमकिन, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे मौत गवारा है मगर एक कहार की जिंदगी नहीं। वजीर साहब तो कहार की जगह लेने के लिए तैयार नहीं। आप हमें इजाजत दीजिए, हम कहार बनके उसके माँ बाप की देखभाल करेंगे। हम उनके आंखों से आंसू पोछेंगे, हम उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे आलमपना। आप शहजादे? हाँ हाँ। मगर आप वली अहद सल्तनत हैं। बादशाह अपनी रियाया का बाप होता है, उस रिश्ते से वली अहद अपनी रियाया का भाई हुआ। मरहूम आसिफ हमारा भाई था, हमारा फर्ज है कि हम उसके माँ बाप को उसकी कमी ना महसूस होने दें। आप हमें इजाजत दीजिए अब्बा हुजूर। झुक जाए, इजाजत है। चलिए अब्बा, हम कहार बनकर आपके बेटे की तरह डोली तो नहीं उठा सकते, मगर ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी खिदमत में कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। चलिए ना अब्बा, चलिए ना अम्मी। नहीं शहजादे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे गुनाहों का बोझ आप मत उठाइए। गुनाह मैंने किया है, इसका कुफारा मुझे ही अदा करना होगा। आलमपना,
शहजादे का इसार और कुर्बानी देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, नफरत हो रही है कि मैंने इतना बदतरीन गुनाह किया जो मुआफी के काबिल नहीं। लेकिन आलमपना, आप तो शहंशाह यमन हैं, आपके रहम करम से मेरी यह इल्तजा है कि मुझे गुलाम बनकर आसिफ के बूढ़े मां बाप की खिदमत करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है, हमें बहुत अफसोस है बहन कि आज आपका बेटा आपसे जुदा हो रहा है। नहीं मलका आलिया, आज मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है। शाबाश परवेज, शाबाश। आज मुझे यकीन हो गया कि तू वाकई मेरा खून है, मेरा बेटा है। जा बेटा जा। हातिम, अल्लाह तुम्हारी नेक नामी इसी तरह बरकरार रखे। सुभान अल्लाह, क्या इंसाफ है, ना किसी का खून बहा ना किसी की गर्दन कटी और इंसाफ हो गया। नीलम, ऐसा भी इंसाफ होता है, यह हमें आज मालूम हुआ। ऐसा इंसाफ सिर्फ हातिम का कारनामा है शहजादी। अच्छा नीलम, जहाँ इस इंसाफ से सब खुश हुए वहीं वजीर आजम गुस्से से लाल पीले क्यों हो गए? ये तो इंसानी फितरत है शहजादी। जब इंसान किसी चीज को बहुत चाहने लगता है और वो उसे छीन ली जाए तो वो गुस्से की आग में लाल हो जाता है। उस दिन तो वजीर आजम का पारा और भी चढ़ गया जब उन्होंने अपने बेटे को सरे राह एक कहार की तरह डोले उठाते देखा। सहा जाता परवेज, हमसे नहीं सहा जाता। हातिम, हातिम, ये इंसाफ नहीं जुल्म है, जुल्म। परवेज पर नहीं, हम पर भी। हमारा नाजू से पला हुआ बेटा आज एक मामूली कहार की जिंदगी जिए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सब हातिम की वजह से हुआ। आज अगर उसने ऐसा इंसाफ न किया होता तो मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम न होती। अगर शहजादे वक्त पर ना आते तो जिस जिंदगी को आप जहन्नम कह रहे हैं वो जिंदगी ही ना रहती। मगर जरा ये भी तो सोचिए कि हमारे बेटे को सजाए मौत भी हो सकती थी। अगर वो मर जाता तो हम सब्र कर लेते बेगम, खून के घून पीकर रह जाते। लेकिन ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि नरम बिस्तर पर सोने वाला हमारा बेटा आज पथरीली जमीन पर करवटें ले रहा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाओं में सांस लेने वाला हमारा बेटा आज चुलमुलाती धूप में नंगे पांव, नंगे बदन गली कूचों में एक अशरफी के लिए, पाल के लिए घूम रहा है। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बेगम, कैसे? ये सब हातिम की वजह से हुआ है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के खौफ से तो डरिए। आज हमें किसी का खौफ नहीं, न खुदा का न ही बादशाह सलामत का। आज हमारे सर पर जुनून सवार है, जुनून। और ये जुनून तभी उतरेगा जब तक हातिम के खून से हम अपनी तलवार की प्यास नहीं बुझा देते।
शहजादे, आप मार डालिए मुझे शहजादी, मार डालिए मुझे, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको मारने का इरादा किया है। मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, वरना मैं आपको मार डालूंगा। आपने मेरा बेटा छीना, मेरा लगते जिगर छीना है, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो आप मुझे मार डालिए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। इस दुनिया से आपको मिटा दूंगा शहजादे, इस दुनिया से मिटा दूंगा। आपको हमें मारना ही है तो ये लीजिए, मार दीजिए हमें, मिटा दीजिए इस दुनिया से। एक ना एक दिन तो आदमी को मरना ही पड़ता है। हमारे लिए इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है कि हमें गमजदा बाप के हाथों से मारे जाएं। हम आपके मुजरिम हैं वजीर साहब, हमने आपके बेटे को आपसे छीना, हम सजा के हकदार हैं। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वाकई हमने आपके बेटे के साथ कोई जुल्म किया? अगर आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे होते तो आप क्या फैसला सुनाते? क्या आप खून का बदला खून और जान का बदला जान नहीं कहते? और अगर आप कहते तो क्या आपका परवेज आज इस दुनिया में होता? वजीर साहब, हमने तो आपको हश्र के दिन के उस वक्त से बचाया जब आपका बेटा खुदा के सामने आपका गिरेबान पकड़कर कहता कि ये है मेरा बाप जिसने जिंदगी में मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई, यही है वो जिसने सही और गलत बातों की रहनुमाई नहीं की। मैं गुनाह करता तो वो खुश होता, मैं नेकी की तरफ बढ़ता तो वो मुझे रोकता, मैं किसी का सर काटता तो वो अपने सर फक्र से ऊंचा करता, मैं जुल्म करता तो वो मेरे हाथों को चूमता। अगर इसका बेजा लाड प्यार नहीं होता तो आज मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी ना होता। अगर आपको मुझे सजा देनी है तो उससे पहले मेरे बाप को दीजिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पौधा था। गुनाहों का असली बीज तो ये है, ये असली मुजरिम, असली गुनेगार ये है इलाही, ये सजा इसे दीजिए, इसे दीजिए सजा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अपने बेटे की मोहब्बत में अंधा होकर ये भी भूल गया था कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, जहां न कोई बेटा होगा, न कोई बाप होगा, न कोई भाई होगा और न कोई रिश्तेदार, जहां हर एक को अपने आमाल का हिसाब खुद देना होगा। बेटे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आपने तो करिश्मा करके दिखाया, मेरे बेटे को सुधार के दिखाया, जिसे मैंने सुधार सका उसको आपने सुधारा। आप इंसान तो हो ही नहीं सकते, आप तो फरिश्ता है, सचमुच आप तो फरिश्ता है, आप तो फरिश्ता है, फरिश्ता फरिश्ता। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। या खुदा, कुदरत का करिश्मा है, नेकी का समंदर है, जग जीतने वाला है, किस्मत का
सिकंदर है।